क्या हाय मोहित, ये जाएगा हमारे वेडिंग प्रेप्स वाले व्लॉग में, जिसमें पता चलेगा कि तू हमारे शादी के लिए आया था एंड हमारी शादी पोस्टपोन हो गई। थोड़ी छोटी छोटी करो ना यार, अभी पहले छोटी छोटी क्या होता है, कोर्ट में सेरेमनी हुई है, कोर्ट साइन में सेरेमनी हुई है, हां वही हो गई, फिर से कर। मैं तो इनको कब से वही बोल रहा हूँ, कोर्ट में शादी करो, एक बड़े से लोग नहीं चाहिए, इनको मारो जिधर मिले उधर मारो। हाँ तो अगर नहीं हुआ तो हम सबकी तरफ से सॉरी। ऐसे सॉरी नहीं चलेगा, इसको आना ही पड़ेगा, इसलिए सॉरी नहीं चलेगा, इसको आना ही पड़ेगा। गलती तुम लोग करो, सॉरी हम सब बोलो, हम सब की तरफ से सॉरी, मेरी तरफ से नहीं है। मैं तो बोलता एक महीना और रखे, टिकट का पैसा इधर रीइंबर्स होगा, एक फ्लैट दे दो, फ्लैट तू टिकट का उसको अभी वो तेरी एमजी मांग रहे हैं, चलेगा ये लेना, बात खत्म, फिलहाल इससे काम चल रहा है। ये औरत बोल रही है सिर्फ इसी की शादी है, मेरी शादी नहीं है। ये औरत बोल रही है सिर्फ इसी के लिए, बोला मैंने गलती से। हर बार कैसे गलती होती है तुम्हारी, जरा मेरे को बताओ। हर बार यही होता है, मेरी शादी, मेरे शादी का डेकोर, मेरे शादी का खाना, मेरी शादी, मेरे कपड़े, मैं कौन हूँ? अकेली शादी कर रही है क्या? जा अकेली शादी कर। एक तो अभी तक इसने मेरे को प्रपोज नहीं किया, बाल कटवा और एल्स यू आर नॉट इनवाइटेड। अभी तो मैं कमर तक बाल करके आऊंगा, यहाँ तक विग लगा के आऊंगा, लेकिन यहाँ तक बाल करके आऊंगा। अभी नहीं कटवाऊंगा तो नहीं कटवाऊंगा, मतलब नहीं कटवाऊंगा। आशु से लेगा विग? आशु विग लगाता है, उसके पास पड़ी है ना। अच्छा, 100 बार तो पहनी है तूने विग। नहीं अभी तो मेरे को पहनने की जरूरत भी नहीं है। दीज हेयर्स आर नेचुरल एज यू कैन सी, विदाउट डैंड्रफ, विदाउट प्रॉब्लम। इफ यू वांट टू नो माय हेयर केयर, आई विल नॉट टेल यू। देखो मैं इसके बाल कैसे काटती हूं। ये रेगुलर गेस्ट के जैसे आप लोग अपनी वेडिंग में मत करना। 3 बजे का हल्दी का टाइम देके 6 बजे 6:30 बजे स्टार्ट करोगे, ये कर सकती है, इसको बोलो ये लेट करते हैं। तुम लोग करोगे तो हमारा सेटअप कैसे होगा, इवेंट पूरा शेड्यूल नीचे चला जाएगा। मुझे रिकॉर्ड नहीं करवा मेरे परमिशन के बिना। मैं पुलिस को कंप्लेंट करेगा तुम्हारी। तो कुछ भी बोल, मैं सुन ही नहीं रही हूँ क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। हम लोगों ने अभी मेरा एंगेजमेंट का आउटफिट फाइनल किया है, ये मेरा हुआ है क्या? तो तेरा भी हो जाएगा ना यार, तू चलता किधर है? घंटा चलता किधर है साला, हर जगह पे मुझे इतना आज मेरे को ये लेने का लेके चल, वो लेने का लेके चल। मैं एक महीने से बोल रहा हूँ इसको कि चल चल, देख के तो आते, कम से कम देख के तो आते। नहीं अबे चुप, अभी तो सच्चाई बताऊंगा, एक महीने से बोल रहा हूँ मेरे साथ चल चल चल, चल नहीं रही है। अभी तू तेल लगाने जा, अभी मैं अपने दोस्तों को पकड़ूंगा और जो मन में आए वो करूंगा। ऐसा कट स्लीव्स वाले कोट पहनूंगा, लेदर जैकेट पहनूंगा, कुछ भी पहनूंगा, अभी मेरे ऊपर है। पहला बोल रही थी यार जादू कुछ अच्छा पहनना, मेरे लायक पहनना। अरे लायक क्या होता है, नंगा थोड़ी ना आने वाला लायक नहीं। मैंने बोला वी शुड बी ट्विनिंग और एटलीस्ट कॉम्प्लीमेंट। नहीं अभी तो कॉम्प्लीमेंट ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जैसे ब्लैक को व्हाइट करता है, वैसा कॉम्प्लीमेंट करूंगा मैं। तू अभी रुक, तू सॉरी, पहले तेरी वीडियो में शक्ल ही नहीं आई है, तुम्हारा हाइट कम है, तुम इसलिए बोल रहे हो हाथ ऐसे करके शूट किया करो। कैसे ऐसे ये ऐसे करके शूट करती है तो मेरे आई लेवल तक आती है, वरना आई लेवल तक भी नहीं आती। तुम्हारा हाइट क्या है वैसे? 4'8" 4'6" पैसे निकालो, पहले खाऊंगी फिर पैसे दूंगी। ये क्या तरीका होता है? मैं तो डोसा खाऊंगी तेरा। हाथ लगेगा ना तो हाथ खा जाऊंगा। खुद का डोसा खाओ, हमेशा मेरे खाने में हाथ मारती है, शर्म वरम नहीं आती तुमको? पराए मर्द के खाने में, अपने मर्द के खाने में हाथ मारती हो? थोड़ा टाइम पहले पराए मर्द बोलता तो चलता, अभी तो अपना मर्द हो गया ना। अभी प्लस टू कर रहा है तू? अरे वो सॉरी, इन बालों पे ना ये सब कपड़े सूट ही नहीं करे, तो लेदर ही पहन। लेदर उल्टा ये कपड़े सूट नहीं हो रहे, वो जोधा अकबर में बाकी उसके कट के बॉयकट बाल दे क्या? तो जोधा अकबर छोड़ ना, अनारकली है ब्रो, गुलजमान। नीचे से यही
वही पहनना। ये चाहती है कि मैं भद्दा देखूं शादी ताकि सबका ध्यान इस पे रहे। Shit, yes, that was my plan. स्कूल जा रहा ऐसा लग रहा है। अभी अभी प्रिंसिपल बनता, अब भी प्रिंसिपल बनता, 2 मीटर को अब भी प्रिंसिपल। तो आप लोग सोच रहे होंगे हम सुबह सुबह यहाँ क्यों असेंबल हुए हैं, मैं, पृथ्वी और जादू। तो हम लोग गुरुद्वारे आए हैं क्योंकि हमारी शादी में बहुत विघ्न आ रहा है। तो पृथ्वी की मॉम ने हमारे लिए प्रसाद बनाया है और बोला कि गुरुद्वारे में अरदास कराओ, सब ठीक हो जाएगा। सो स्वीट सीरियसली यार, आंटी इज द स्वीटेस्ट। क्योंकि हमारी शादी में बहुत विघ्न आ रहे हैं, इसलिए इनफैक्ट हम लोग शादी भी गणपति बापा के डे पे कर रहे हैं। उस दिन पे गणेश चतुर्थी है। यस, सो यस, एवरीबॉडी इज ट्राइंग देयर बेस्ट कि शादी हो जाए। ये सिर्फ 5% वेडिंग प्रेप्स थी, बिकॉज एक्चुअल वेडिंग प्रेप्स बहुत बहुत ज्यादा थी। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊं तो जब मुझे मेहंदी लगी हुई थी मेहंदी के दिन पे, उस दिन पे मैं गई हूँ अपने एंगेजमेंट के आउटफिट का ट्रायल देने। एक्चुअली मैंने ब्लॉग में जो एंगेजमेंट का आउटफिट बोला है वो मैंने रिसेप्शन पे पहना था। तो मैं एंगेजमेंट का आउटफिट लेने गई थी जो मुझे एक्चुअली मिला नेक्स्ट डे पे एंगेजमेंट के 2 घंटे पहले। तो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा, चाचा कोई है ही नहीं। इसको भी नहीं समझा मैंने क्या बोला, आप लोग को भी नहीं समझा। हमने बहुत रैंडमली शूट किया एक्चुअली क्योंकि लिए प्रेप्स बहुत ज्यादा थी। तो जितना टाइम मिला शूट करने का शूट किया एंड उसको एडिट करके डाल दिया। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड आपको तो पता है, आप है तो हम है, मैं तो चले गाड़ी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। इसी तरीके से वीलॉग जल्दी जल्दी आते रहेंगे। बाय 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 गाइस।